अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जो थ्योरम आज हमने प्रूफ करना है, जिस थ्योरम को प्रूफ करना है उसकी स्टेटमेंट हमारे पास ये गिवन है, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन इन अ ग्रुप जी एंड लेट के बी अ पॉजिटिव इंटीजर, देन अ ग्रुप जनरेटेड बाय ए की पावर के इज इक्वल टू अ ग्रुप जनरेटेड बाय जी सी डी एन के एक दूसरे के बराबर है। हमने बेसिकली इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करना है। और दूसरा जो स्टेटमेंट प्रूफ करवानी है वो ये है, दूसरा पार्ट ये है इस ग्रुप इस थ्योरम का, ए की पावर के का ऑर्डर बराबर है एन ओवर जी सी डी एन के, ठीक हो गया। तो हम ये फर्स्ट पार्ट नाम देते हैं देंगे हम इसको, और इसको सेकंड का नाम दे देंगे। तो प्रूफ करते हैं हम फर्स्ट को। बेसिकली हमने जब इन दोनों को एक दूसरे के बराबर करना है तो हमें ये कॉन्सेप्ट ये तरीका लगाना पड़ेगा इन दोनों के ऊपर कि इसको हमने इसके अंदर कंटेन करवा देना है, इसको इसके अंदर कंटेन करवा देना है। जब हम दोनों इन दोनों को एक दूसरे के अंदर कंटेन करवा देंगे तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के बराबर है। तो सपोज कर लेते हैं हम, सबसे पहले हमने सपोज करना क्या है, ये जो हमारे पास जी सी डी एन के है ना, ये जी सी डी एन के ये बराबर है डी, इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एन के का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमने सपोज कर लिया डी के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज डैट डी डिवाइड करेगा के को, तो अगर डी डिवाइड करेगा के को तो मैं तो हमारे पास यहाँ पे एक इंटीजर आएगा आर, जो कि सपोज कर लो आर जो डी से मल्टीप्लाई होकर हमारे पास के देगा। ये कॉन्सेप्ट ऑफ विजिबिलिटी अगर आपको समझ नहीं है आई तो आप इसका इस वीडियो का लिंक कॉन्सेप्ट ऑफ विजिबिलिटी का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इजीली इसको देख लेना और समझ लेना। तो अब देखो हमने सपोज कर लिया जी सी डी एन के बराबर है डी के, ठीक हो गया। तो इसी तरह अब हमने इसको कंटेन इसको इसमें कंटेन कराना है, तो हम एक एलिमेंट लेंगे ए की पावर के बिलोंग कर रहा है ए की पावर जनरेटेड द ग्रुप जनरेटेड बाय ए की पावर के से। देखो जैसे कि अगर इस कॉन्सेप्ट में समझ नहीं आए मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास ग्रुप है जिसमें एलिमेंट्स हैं, तो देखो जैसे ए बिलोंग कर रहा है ना ये वाला ए इसमें, इसी तरह ए की पावर के भी बिलोंग करेगा इसमें से, ठीक हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ए की पावर के बराबर है, देखो के किसके बराबर है डी के, डी आर के, तो हम इधर लिख देंगे डी आर। तो सिंपली इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, तो ये बिलोंग कर गया इसके अंदर ए की पावर ए आर ग्रुप जनरेटेड बाई ए की पावर डी। तो क्योंकि जी सी डी एन के हमने जी सी डी एन के हमने डी के को रखा हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पे डी लिख दिया जी सी डी एन के जगह, ठीक हो गया। तो ये एलिमेंट ए की पावर के एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब ये पूरा जो हमारे पास सेट है या ग्रुप है इसमें कंटेन कर गया। इसको हम दे देते हैं क्वेश्चन वन का नाम। इसी तरह अब हम ये देखो ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करते करेंगे, ए की पावर डी बिलोंग करेगा, ठीक हो गया। तो डी ए की पावर डी जो है वो बराबर है डी किसके बराबर है हमारा जी सी डी एन के के, जी सी डी एन के के। तो जी सी डी एक लीनियर कम्बिनेशन है, तो जी सी डी एक लीनियर कम्बिनेशन है जो इन दोनों के साथ जिसी हमारे पास यहाँ पे दो ऐसे एलिमेंट आएंगे या पॉजिटिव इंटीजर आएंगे जो इनके साथ मिलके एक लीनियर कम्बिनेशन बनाएगा। तो ये देखो ए की पावर एन एस प्लस के पी। अगर आपको लीनियर कॉम्बिनेशन जी सी डी लीनियर कॉम्बिनेशन की भी नहीं समझ आए तो मैं इसका भी इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इसलिए इसको वहाँ से डाउनलोड कर लेना या देख लेना, ठीक हो गया। ए की पावर एन एस प्लस के टी आ गया, तो इसको हम मज़ीद ये देखो इस तरह लिख सकते हैं, ए की पावर डी को हम लिख सकते हैं ए की पावर एन एस ए की पावर के की पावर टी। तो देखो ए की पावर एन लेने से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी क्योंकि एक ऑर्डर एन है, और आइडेंटिटी की पावर एस आ जाएगी और ए की पावर के की पावर टी आ जाएगी। तो इसी तरह हम यहाँ पे अब ये जो हमारे पास है ए की पावर डी बराबर आ जाएगी आइडेंटिटी की पावर जो भी हो आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी किसी एलिमेंट को चेंज नहीं करता, तो हमारे पास यहाँ पे सिंपली ये एलिमेंट आ जाएगा। तो देखो ये जो ए की पावर डी बराबर किसके आ गया इस एलिमेंट के, और ये बिलोंग किस में कर गया ए की पावर के में। तो अगर ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर गया तो पूरा सेट जो है ए की पावर डी ग्रुप है यूनिटेड बाई ए की पावर डी से वो इसमें कंटेन कर देगा। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर टू। तो देखो बाय वन एंड टू बाय इक्वेशन वन एंड टू ये दोनों एक दूसरे में कंटेन करके, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है ए की पावर डी और ए की पावर के
ए की पावर के बराबर है, ये सॉरी ए की पावर के डी हमने किसके इक्वल लिया था, ए की पावर जी सी डी एन के, ये देखो। तो हमने यहाँ पे डी की जगह वही वैल्यू लिख दी जो हमने सपोज की थी, तो हमने इसको प्रूफ कर दिया। ये पहला पार्ट हो गया इसका प्रूफ। अब हम इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे कि ए की पावर के का जो ऑर्डर है वो बराबर है एन ओवर जी सी डी एन के। तो हम इसको प्रूफ करेंगे सेकंड पार्ट के नाम से। तो देखो, सबसे पहले इसको प्रूफ करने से पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें पता लगाना पड़ेगा कि ए की पावर डी का ऑर्डर क्या है, जो ये है ए की पावर डी का ऑर्डर क्या होगा। तो हमें सिंपली सबसे पहले इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ठीक हो गया। ए की पावर डी का ऑर्डर होगा एन ओवर डी। देखो दिस इंप्लाइज दैट ए की पावर डी, क्योंकि एन ओवर डी लेने से ए की पावर डी की पावर एन ओवर डी लेने से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है। देखो डी ओवर डी एन ये काट गया, ये पीछे बचा ए की पावर एन, तो ए की पावर एन से हमारे पास आइडेंटिटी आ गई। तो देखो ए की पावर डी की पावर एन ओवर डी ली तो हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, तो इसका मतलब यह है कि ए की पावर डी का ऑर्डर है एन ओवर डी। लेकिन अगर हम कह दें कि नहीं एन ओवर डी ही नहीं, इससे छोटा भी कोई हो सकता है ऑर्डर ए की पावर डी का, तो हम सपोज कर लेते हैं, हम लेते हैं कि एक आई है जो कि एलिमेंट है, एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि एन ओवर डी से छोटा है, तो हमने वो ले लिया। तो अगर हम ए की पावर डी की पावर आई ले तो हमारे पास आइडेंटिटी नहीं आती। तो दिस इंप्लाइज डैट हमारे पास क्या, इससे हमें क्या पता चला, ए की पावर डी का ऑर्डर सिर्फ एन ओवर डी है, ठीक है। हमने यहाँ पे ए की पावर डी का ऑर्डर एन ओवर डी निकाल लिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये इसका प्रूफ शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है कोई ए, ये एक क्रोलैरी है, ठीक है, ये आपकी बुक में भी मौजूद होगी। अगर एक एलिमेंट ए है तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, उसका एलिमेंट जनरेटेड बाय ए उसके ऑर्डर में लिख सकते हैं। देखो एक अगर एलिमेंट ए है तो हम उसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्रोलैरी है, ये आपकी बुक में भी मौजूद होगी, ठीक होगा। अब हम इस क्रोलैरी को यूज़ करते हुए इस थ्योरम को सेकेंड पार्ट को प्रूफ करेंगे। तो देखो ए की पावर के को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, इसके मुताबिक ये जो हमारे पास क्रोलैरी है इसके मुताबिक हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। और जो ये हमारे पास है ये ए की पावर के, हमने पीछे अभी प्रूफ करके आया ए की पावर के बराबर है ए की पावर डी के, ठीक हो गया। और फिर दोबारा अगेन इस क्रोलैरी को हम इसके मुताबिक इस ये जो हमारे पास है ये, इसको हम इस क्रोलैरी के मुताबिक दोबारा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो अभी हमने निकाला है कि ए की पावर के इजिकल टू ए की पावर डी का ऑर्डर किसके बराबर है एन ओवर डी के, और पीछे हमने देखा था कि ए की पावर के का ऑर्डर बराबर है एन ओवर डी किसके बराबर है जी सी डी एन के, ठीक हो गया। तो ये हमने प्रूफ करना था यही, तो ये हमारे पास आ गया एंड प्रूफ। तो हमने इस थ्योरम के दोनों पार्ट ये वाला और ये वाला प्रूफ करवा दिया।